हेलो एवरीवन, फिजिक्स इको फॉर जेई 2022 के पेपर वन के वीडियो सॉल्यूशन में आपका मोस्ट वेलकम। पेपर वन में यूनिट मेजरमेंट वेक्टर एंड 1D मोशन को इंक्लूड किया गया है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखें। सेक्शन ए में सिंगल करेक्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डिनोट्स द डायमेंशन m1 l2 t-2। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो m1 l2 t-2 एनर्जी का डायमेंशन होता है, क्योंकि एनर्जी सिंपली अगर अपन लिखें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फोर्स का m1 l1 t-2 होता है एंड डिस्प्लेसमेंट का l1 आ जाएगा, तो m1 l2 t-2। तो इसका आंसर आ जाएगा एनर्जी, मींस यूनिट जो है वो जूल होनी चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट ए इन वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन, राइट। तो इस इक्वेशन में अपन से पूछा है कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में देखें तो ये देखिए प्रेशर है, और प्रेशर के साथ प्रेशर ही ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। दैट मीन्स ए अपॉन वी स्क्वेयर जो है, इसकी जो यूनिट है वो प्रेशर के इक्वल होनी चाहिए, करेक्ट। और v इज द वॉल्यूम, राइट। सो a की जो यूनिट या डायमेंशन जो है वो p इंटू वी स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। p इज प्रेशर, प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, एंड v वॉल्यूम है अपने पास। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2, एरिया जो है वो l स्क्वायर हो जाएगा, एंड वॉल्यूम l क्यूब होता है तो l क्यूब स्क्वायर हो जाएगा 6, राइट। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, पावर 4 बचा, तो आंसर आ जाएगा अपने पास m1 l की पावर 5 टी की पावर -2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट मिलेगा अपन को, m1 l की पावर 5 टी की पावर -2, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशंस। सिमिलर डायमेंशन किसकी नहीं होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है टेंशन एंड सरफेस टेंशन, तो पहला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा, काफी सिंपल है ये। टेंशन फोर्स तो सिंपली फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स फोर्स का ही टाइप है टेंशन, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 l1 t-2 होता है, और सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो ऑब्वियसली इसका जो फॉर्मूला होगा या जो इसका जो यूनिट होगा वो डिफरेंट होगा टेंशन से, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इक्वल्स टू p नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा t स्क्वायर, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, इज द टाइम द डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज। तो ये इक्वेशन है p इज इक्वल टू p नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा t स्क्वायर। एज वी नो कि एक्सपोनेंट में अगर कोई भी आपको फंक्शन दे रखा हो, है ना, तो ये जो वैल्यू है ये डायमेंशनलेस होती है, अल्फा इंटू टी स्क्वायर डायमेंशनलेस होगा, और डायमेंशनलेस होने के लिए अल्फा की जो यूनिट है या जो डायमेंशन है वो टी की पावर -2 होना चाहिए, तभी ये डायमेंशनलेस हो पाएगा। तो अल्फा की यूनिट क्या जाएगी? टी की पावर -2, करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका। टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड एज टी1 इक्वल टू 39.6 सेकंड, टी2 इक्वल टू 39.9 सेकंड, टी3 इक्वल टू 39.5 सेकंड, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी पूछी है, मतलब एरर अपन को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर T1, T2, T3 तीन मेजरमेंट लिए हैं, तो सबसे पहले अपन को इनकी ट्रू वैल्यू फाइंड करनी, मतलब एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एवरेज वैल्यू के लिए इनको सम करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो T एवरेज इज इक्वल टू 39.6 प्लस 39.9 प्लस 39.5 बाई 3। ओके, तो ये वैल्यू आएगी 119 बाई 3, और इसको सॉल्व करेंगे 39.7 सेकंड आ जाएगा ये। तो ये टी एवरेज आ गया। तो अब अपन को अगर एरर फाइंड करना है तो सबसे पहले ये वाली जो वैल्यू है ये T1 है ना, फर्स्ट जो मेजरमेंट लिया है इसको इसमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट मेजरमेंट का एरर आ जाएगा। सो डेल्टा T1 यहां आ जाएगा हमारे पास 39.7 माइनस 39.6 मतलब 0.1, ठीक है। डेल्टा T2 जो है उसकी वैल्यू आएगी 39.9 माइनस 39.7, पॉजिटिव में लेना है तो 0.2 आ जाएगा। डेल्टा T3 जो है थर्ड मेजरमेंट में एरर कितना आएगा 39.5, और ये है 39.7 मतलब अगेन 0.2। तीनों का सम कर देंगे तो डेल्टा T की भी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, और वो प्लस माइनस में अपन कंसीडर करेंगे। ओके, तो डेल्टा T 0.1 0.2 0.5 मीन्स 0.2 0.5 हो जाएगा बाई 3। इसको डिवाइड करें अपन तो ये हो जाएगा 0.1 एंड देन कितना आया 6, है ना। तो इसको
राउंड फिगर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 6 का अपन 2 कन्वर्ट कर सकते हैं 1 को, तो 0.2 सेकंड हो जाएगा प्लस माइनस में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ओके, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी जी बाई यूजिंग सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल। इन दिस एक्सपेरिमेंट टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड बाई यूजिंग ए वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट अकाउंट एंड द वैल्यू इज 90.0 सेकेंड्स। द लेंथ एल इज मेजर्ड बाई यूजिंग ए मीटर स्केल ऑफ लीस्ट अकाउंट 1 mm एंड द वैल्यू इज 20.0 सेंटीमीटर। एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी वुड बी, जी में एरर हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, टी इक्वल टू 2π√ एल बाई जी, ठीक है। तो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी इक्वल टू 4π स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो कैपिटल टी तो एक ऑसिलेशन का टाइम है, ठीक है। तो अगर 100 ऑसिलेशन हैं सपोज, या सपोज एन ऑसिलेशन हैं, तो एन ऑसिलेशन का टाइम है स्मॉल टी, तो एन इंटू कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी, राइट। सो कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी बाय एन, तो एन ऊपर आ जाएगा, तो जी इक्वल टू 4π स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। ओके, एन इज कॉन्स्टेंट, फिक्स है, 100 ऑसिलेशन 100 उसकी लिए वैल्यू फिक्स रहेगी, तो उसमें कोई एरर नहीं होगा। तो अगर मुझे जी में परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, क्योंकि पावर जो है वो फ्रंट में आ जाती है, बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ये, 4π स्क्वायर एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो हट जाएगा, और प्लस में टी स्क्वायर जो ऊपर जाएगा, पावर पॉजिटिव में रखनी है अपन को, तो 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा एल क्या है, लेंथ में अनसर्टेनिटी है, तो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है 1 mm है, तो डेल्टा एल कितना आ गया 1, है ना। तो लीस्ट काउंट वाला जो एरर है उसको ही हमें एरर में कंसीडर करना है, तो 1 mm। एल जो है वो हमें दे रखा है यहाँ पर 20.0 सेंटीमीटर, विच मीन्स 200 मिलीमीटर, क्योंकि ऊपर भी मिलीमीटर में है, और इंटू 100 करेंगे तो 100 हो गया, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी, जो वॉच अपन यूज कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट 1 सेकंड है, तो डेल्टा टी 1 आ जाएगा, और टी जो है वो अपन को 90.0 सेकंड दे रखा, तो 90 लिख सकते हो, इंटू में 100, 100 आ जाएगा। तो यहां से ये वाली वैल्यू जो है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट, सॉरी यहाँ एल स्क्वायर नहीं था, एल था, यहाँ एल था, चलो ये एल है, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, ओके 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 1/2 आ गया, 0.5, और प्लस में 200, ये 20/9 आ जाएगा, 20/9 कितना आएगा, ये 2.2 समथिंग आएगा, तो 0.5 प्लस 2.2 मतलब 2.7% के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी, तो जी में परसेंटेज आ रहा 2.7%, फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। इफ द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर डबल्ड, देन यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ mvr, ठीक है। वेलोसिटी को मैं लेंथ, लेंथ मान लीजिए r मान लूँ, तो r इंटू r, r स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, राइट। तो ये कह रहा है कि मास की यूनिट को डबल कर दिया, तो ये 2 टाइम्स हो गया, जो लेंथ है उसकी यूनिट को भी डबल कर दिया, तो ये भी 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो गया, और टाइम की यूनिट को भी डबल कर दिया, 2 टाइम्स आ गया नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो एंगुलर मोमेंटम की जो यूनिट है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 टाइम्स, थर्ड ऑप्शन, क्वाड्रपल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 डायमेंशनल क्वांटिटीज विच वन क्वांटिटी टू बी कॉल्ड ए यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। ओके, तो हमसे पूछा है कि कौन सा यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट हो सकता है। देखो, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट अगर है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब अगर अपन किसी दूसरे प्लेनेट पे भी जाके ऑब्जर्व करें, किसी दूसरी गैलेक्सी में भी जाके ऑब्जर्व करें, तो वो वैल्यू सेम रहनी चाहिए, उसका मतलब यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो ऑब्वियसली अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है, तो इसको अपन कंसिडर नहीं कर सकते, है ना, ये कंसिडर नहीं कर पाएंगे। सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑब्वियसली सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर जो है वो फिक्स नहीं है, है ना, अलग अलग टेम्परेचर उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है, तो इसको भी अपन कंसीडर नहीं कर पाएंगे। थर्ड, वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड किलोग्राम मास, तो किलोग्राम मास जो है वेट पूछा है अपन से, राइट, वेट में mg आएगा, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, जी को अपन कंसीडर नहीं कर सकते। फोर्थ, कह रहे द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऑब्वियसली
लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, वो फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी इवन डिपेंड नहीं करती है, राइट। मास की भी बात करें, क्योंकि अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट से देखें तो अगर मोशन में रहेंगे तो उस केस में मास जो है वो चेंज हो सकता है, तो इसलिए इनको भी कंसिडर नहीं कर सकते अपन, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की डायमेंशन क्या है? ओके चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के लिए हमें एप्सिलॉन चाहिए, तो फोर्स का कॉन्सेप्ट, फोर्स का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, तो क्यू स्क्वायर हो गया, के की वैल्यू 1/4π ε₀, 4π कोई यूनिट नहीं है, एप्सिलॉन आ गया और ये आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो अपन जानते हैं, m1 L1 t-2 होगा, राइट, और आर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर इधर जाएगा तो एल क्यूब हो गया ये, और इधर की तरफ आ जाएगा क्यू, क्यू चार्ज जो है वो करंट इंटू में टाइम होता है, ए इंटू में टी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, राइट, और एप्सिलॉन आ गया। तो एप्सिलॉन का फिर डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम वन इधर जाएगा तो एम की पावर -1, एल की पावर -3 आ गया, ठीक है, टी की पावर प्लस 4 आ जाएगा इधर जाएगा तो, और ए टू आ जाएगा, है ना। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, इसको चेक करें अपन, तो ए टू एम -1 एल -3 एंड टी की पावर 4, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 10, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर एंट्रोपीज। एंट्रोपी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, एंट्रोपी एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू या इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होना चाहिए, क्यू एनर्जी का है तो एनर्जी अपन जानते हैं m1 l2 t-2 होगा, और टी जो है ये टेम्परेचर है केल्विन, राइट, के ऊपर जाएगा तो m1 l2 t-2 k-1, तो m1 l2 t-2 k-1, थर्ड ऑप्शन का जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय कैपिटल डी इक्वल टू एप्साइलन ई, हियर एप्साइलन इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आर, तो डायमेंशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, देख लो। तो डी एप्साइलन ई है ना, तो एप्साइलन इंटू ई, ई का अपन डायमेंशन या जो फॉर्मूला है सिंपल, जो चार्ज की टर्म में जो फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं अपन, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो क्यू और के की वैल्यू में एप्साइलन आएगा डिवाइड में अपॉन में आर स्क्वायर, तो एप्साइलन से एप्साइलन कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो है वही डायमेंशन है किसकी, जो भी डायमेंशन आएगी वो डी की डायमेंशन होगी। क्यू को लिख सकते हैं अपन ए इंटू टी, है ना, करंट इंटू टाइम, और r जो है वो डिस्टेंस है तो l स्क्वायर है, l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l की पावर -2 हो जाएगा, बस इसको ये देखना, तो a1 t1 l to the power -2, थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 12, सोलर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, राइट। तो एनर्जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया डिवाइड में आ गया, ठीक है, एंड पर मिनट मतलब टाइम भी आ गया, ठीक है, टाइम भी आ गया, तो इंटेंसिटी का ही हो गया एक तरीके से, ये एनर्जी का अपन जानते हैं m1 l2 t-2 आ जाएगा, ठीक है, और ये टाइम है, टाइम डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगा, एरिया है l2 है, तो l2 से l2 यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, l2 से l2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या डायमेंशन आएगी, m1 l0 t-3, मतलब थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर एटॉमिक क्लॉक्स कैपेबल फॉर मेजरिंग टाइम विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 part in 10^11, इफ टू सच क्लॉक्स आर ऑपरेटेड विद प्रिसीजन देन आफ्टर रनिंग फॉर 5000 years दीज विल रिकॉर्ड द डिफरेंस ऑफ नियरली, डिफरेंस पूछा है तो मतलब हमें एरर जो है वो कैलकुलेट करना है डिफरेंस का। देखिए जैसे एक क्लॉक जो है वो टाइम सपोज t1 कैलकुलेट कर रही है, दूसरी सपोज टाइम कैलकुलेट कर रही है t2, t1 में भी एरर होगा डेल्टा t1, t2 में भी एरर होगा डेल्टा t2, राइट। सो T1 माइनस T2 के केस में ये जो कॉम्बिनेशन आएगा T1 माइनस T2 वाला, इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो एरर आएगा उस एरर को मैं क्या लिखूंगा, अगेन प्लस हो या माइनस हो दोनों को ऐड ही करना होता है, प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, राइट, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो भी जो एरर है ना उनको ऐड करना है अपन को, तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस माइनस में। अब डेल्टा T1 कितना है, देखो इनमें से कोई भी क्लॉक लो, दे रखा है कि जो एक्यूरेसी है या एरर कह सकते हो वो 10^11 में 1 part है, 5000 साल के लिए हमने इनको ऑपरेट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ 5000 years में उसमें एरर कितना आएगा, 5000 years अपॉन में 10^11, सो डेल्टा T1 जो है वो उसकी वैल्यू आएगी अपने पास 5000 अपॉन 10^11, और दूसरी क्लॉक भी सेम ही है उसमें भी सेम ही आएगी वैल्यू,
तो ये 5000 प्लस 5000 कितना हो जाएगा, 10000। तो ईयर्स के अंदर इतना एरर आएगा, 10000 अपॉन 10^11। इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, जैसे सेकंड है, डे है ना, अगेन सेकंड और वन ईयर, इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर मैं ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं, ये तो हो जाएगा 10^4 है, 10^11, तो 1/10^7 आ गया। ईयर को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 365 डेज होते हैं, ठीक है, और वन डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर को हम 3600 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 3 के राउंड आती है, 3 सेकंड के राउंड वैल्यू आती है। लेकिन नियरली बात का पूछा है अपन से, है ना, तो इसकी क्लोज कौन सी वैल्यू आएगी, 1 सेकंड आ जाएगा, है ना। तो एक ऑर्डर हमें पता लग गया यहाँ पर। तो 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। A current of 2.34 ampere flows in a resistance. Resistance की value आपको दे रखी है, decimal के बाद में कई सारे place तक value दी हुई है अपन को। The potential difference across the given resistance with due regard for the significant figures. Okay, तो अपन को potential difference calculate करना है, और potential difference जो है वो V is equal to I into R के equal होगा। I की value 2.34 है, SF इसके अंदर 3 है, right? और रेजिस्टेंस के लिए अपन को वैल्यू दे रखी है 11.111 और 111, राइट, काफी बड़ी संख्या है, नंबर काफी ज्यादा है इसमें। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 25.999 के राउंड, है ना, आगे भी चलती जाती वैल्यू। तो मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना होता है। तो लीस्ट इसमें 3 तो है, 3 के अकॉर्डिंग चलना है अपन को, तो 3 के अकॉर्डिंग 25.9 आना चाहिए, लेकिन इसको राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा। तो ये 9 जो है इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 10, 0 और 1 जो है 5 में ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26.0 वोल्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15। ए पब्लिक पार्क इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ 100 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। द साइड ऑफ पार्क इज, साइड लेंथ हमसे पूछा है, स्क्वायर दे रखा है अपन को, ठीक है। तो स्क्वायर गिवन है, तो इसका मतलब ये 100 है एरिया, तो ऑब्वियसली ए जो है वो एल स्क्वायर के बराबर होगा, एल की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसमें एस एफ कितना है, 1 ही तो है, 1 ही तो है, और 10 आ रहा है तो 10 में भी 1 ही आया एस एफ, तो इसका मतलब 10 आना चाहिए इसके अंदर। दूसरा, एरर की बात करें ये, तो ये डेल्टा ही हमें गिवन है 0.2, ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा, सो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल। ये अप्रोच अपन लगा सकते हैं क्योंकि एरर इज वेरी वेरी स्मॉल। सो डेल्टा ए इज 0.2, ए इज 100, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन में एल, एल की वैल्यू कितनी आई, 10, 0, 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0.01, राइट। अगेन जो एस एफ 1 है, तो इसमें भी एस एफ 1 ही है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, है ना। 15 का फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। If E is the charge, V is the potential difference, T is the temperature, then unit of EV by T are same as of. तो ये कुछ constants given है, उनके terms में देखना है कि किसको satisfy करेगा ये। तो E into V, देखो charge और V potential difference या potential को multiply करते हैं, तो Q into V जो है वो energy का formula आता है, तो ये energy है। तो energy upon में T, T यहाँ पर temperature है, temperature को मैं Kelvin में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, temperature Kelvin के अंदर है, E energy है, ओके। तो अब ये देखना है कि ये किसको रिलेट कर रहा है, जैसे एनर्जी प्लांक कांस्टेंट की बात करें तो E इक्वल्स टू एच न्यू लिख सकता हूं मैं, एच प्लांक कांस्टेंट आएगा और न्यू जो है 1/T होगा, T टाइम हो जाएगा वहां पर, तो वो उसको तो सेटिस्फाई करेगा नहीं है क्योंकि T और K भी तो आ रहे हैं उसके अंदर, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। बाकी अगर बोल्ट्जमान कांस्टेंट की बात करूं, क्योंकि इसमें साफ साफ नजर आ रहा है, देखो E जो एनर्जी है उसको बोल्ट्जमान की कांस्टेंट की टर्म में अपन लिख सकते हैं, K into T, ठीक है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट था, ठीक है, और T टेम्परेचर था, और डिवाइड में मैंने K जो लिखा वो टेम्परेचर ही लिखा है ना, टाइम नहीं आया तो टेम्परेचर है, तो T से T कैंसिल आउट हो गया, तो K ही तो आया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट पे चले। असर्शन, अच्छा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज यूनिटलेस, रीजन एंगल्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। देखिए डायमेंशनलेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज यूनिटलेस, ये कुछ जरूरी नहीं है, जैसे एंगल की बात करें अपन तो एंगल डायमेंशनलेस होते हैं, लेकिन एंगल की यूनिट भी अपन कंसिडर करते हैं ना, तो असर्शन ही गलत हो गया इसके अंदर, एंगल्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस ये सही है, तो असर्शन तो गलत है इसका, फॉल्स है, तो इसमें फॉल्स में तो एक ही आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, बट रीजन इज ट्रू, तो फोर्थ ऑप्शन का जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
18th, the potential energy of a particle varies with the distance x from a fixed origin as u equals to a root x upon x square plus b, where a and b are the constants, the dimensions of ar. A की dimension हमसे पूछी है, देखिए u तो energy हो गई, energy को मैं लिख सकता हूँ m1 l2 t minus 2, a का हमसे पूछा है, और x क्या distance है, distance बोले तो l की power 1 by 2 हो जाएगा यहाँ पर, और divide में देखें तो ये b और x square की dimension same होनी चाहिए, ये l है तो ये l square आ गया divide में, right? तो यहाँ से ये l square तो ये l की power 4 हो गया, और ये 1 by 2 है तो 4 minus 1 by 2 मतलब 7 by 2 हो जाएगा, तो m1 l की power 7 by 2 t की power minus 2, ये a की dimension आ जाएगी, तो उसको अगर अपन चेक करें तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। 19th, the dependency of the speed of water surface waves on the density of water rho, their wavelength lambda and surface tension r is. तो स्पीड का रिलेशन बताना है, ठीक है? तो इसको प्रॉपर वे से भी कर सकते हैं, बाकी मैं यही कहूंगा कि जो ऑप्शंस गिवन हो अगर सिंपल फॉर्म में दे रखा हो तो उन्हीं से ही ट्राई कीजिए। जैसे जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में रूट में दे रखा है r, r इज सरफेस टेंशन, राइट? सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है ना, तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। चलो तो r जो है वो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन को फोर्स अपॉन लेंथ लिखूंगा मैं, तो f by l, और लैम्डा जो वेवलेंथ है वो लेंथ ही होती है, और रो इज डेंसिटी, डेंसिटी को मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो l क्यूब ऊपर आ गया, l क्यूब ऊपर आ जाएगा। f को लिख सकते हैं फर्दर, f को मैं यहां पे लिख देता हूं m1 l2 है ना, m1 l1 सॉरी t माइनस, ठीक है? तो यहां से m से m कैंसिल आउट हो गया, देखो, और ये l से l कैंसिल आउट हो गया, और ये l की पावर 4 बचेगा, l की पावर 4 t की पावर माइनस 2 हो रहा है, अंडर रूट कर दें तो l की पावर 2 अपॉन में t की पावर 1 आ जाएगा, l2 t1 आ जाएगा अंडर रूट करने पर, जो कि स्पीड की यूनिट नहीं होती, स्पीड की डायमेंशन नहीं होती, स्पीड के लिए हमें l / t चाहिए। तो l / t चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा अपन को, देखिए अगर ये l, ये वाला l जिसको मैंने लैम्डा के लिए लिखा था, अगर ये वाला l डिवाइड में होता तो यहां ये l होता, ये l स्क्वायर आता, और ये l की पावर 3 एंड l की पावर 1, l की पावर 4 हो जाता, तो l की पावर 4 अपॉन l की पावर 2 मतलब l स्क्वायर आता और यहां t की पावर -2 होता, अंडर रूट करते तो l t माइनस 1 आ जाता, तो उसको सेटिस्फाई कर जाता, इसका मतलब लैम्डा डिवाइड में आता तो परफेक्ट होता। तो अंडर रूट में r अपॉन में रो l, ये देखो सेकंड ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है एकदम एज इट इज, तो सेकंड ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। 20. Which of the following sets cannot be taken as fundamental quantities in any system of unit? देखो, कोई भी set अगर हम ले रहे हैं और वो अगर fundamental quantities में consider कर रहे हैं अपन, that means उनमें से कोई सी भी जो base quantity है ना, fundamental quantity है, उससे दूसरी quantity derive नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक, दो, तीन, कितनी भी ले लो आप, उनसे कोई दूसरी fundamental जो quantity वो derive नहीं होनी चाहिए। अब जैसे length, mass and velocity की बात करें ना, length, mass and velocity की बात करें तो ये अलग अलग है, कि वेलोसिटी में टाइम भी तो आ जाएगा, मास एक डिफरेंट है, तो तीनों अलग-अलग हैं। सेकंड देखें लेंथ, टाइम, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी अपॉन में टाइम होगा, वेलोसिटी में चेंज अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी जो है क्योंकि अगर एक्सेलरेशन को अगर अपन देखें तो मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर में लेंथ आ रहा है और सेकंड मतलब टाइम आ रहा है, तो एक्सेलरेशन को आप लेंथ और टाइम से डिराइव कर सकते हो, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन, लेंथ और टाइम फंडामेंटल में नहीं आ सकते तीनों के तीनों, तो दिखते ही आंसर आ गया। देखो मास, टाइम एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में काइनेमेटिक्स आ गया, एक्सेलरेशन टाइम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, मास एक अलग हो गया, तो ये भी फंडामेंटल में कंसीडर किया जा सकता है, इवन एनर्जी भी कंसीडर, एनर्जी फोर्स एंड टाइम भी कंसीडर किया जा सकता है बेटा। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका जो है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है सही हो जाएगा। 21, द डायमेंशनल फॉर्मूला 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू 1 ओवर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर बोले तो स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर देखें तो कितना आएगा m0 l2 t माइनस 2, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म ऑफ द बेस क्वांटिटीज, ठीक है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमसे पूछा है तो बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऑब्वियसली ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज, ऑब्वियसली दूसरी बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी डिराइव नहीं कर सकते, पर द डायमेंशंस ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो, ऑब्वियसली दूसरी बेस क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म्स में लिखोगे तो ऑब्वियसली डायमेंशन उसकी नहीं आने वाली, उसे डिराइव ही नहीं कर सकते, डायमेंशन जीरो होना चाहिए। द डायमेंशंस ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी, ये तो गलत हो गया ना,
तो कोई भी डिराइव क्वांटिटी है उसकी कह रहा है कि उसकी डायमेंशन जो है वो जीरो कभी नहीं हो सकती बेस क्वांटिटी टर्म में। कैसे नहीं हो सकती? जैसे एंगल की बात करें तो डायमेंशन जीरो होती है, तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। द रिलेटिव एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ द सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर इज अल्फा। द रिलेटिव एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज। वॉल्यूम में एरर पूछा, एरिया में दे रखा है अल्फा, वॉल्यूम में कितना आएगा? ए किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर स्क्वायर, रेडियस अगर आ रहे तो। और वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर क्यूब के। तो यहां से वी प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया? आर क्यूब आर स्क्वायर, तो ए की पावर 1/2, तो ए की पावर 3/2 आ गया। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इक्वल्स टू पावर जो आगे फ्रंट में आ जाएगी 3/2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, एंड डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज अल्फा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 इंटू अल्फा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट पे चले। 24. A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time lapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is, है ना? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u is equal to 0. कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगी, सबसे पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम लेट्स से v हो गई। उसके बाद में डीएसेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस का बीटा, एंड फाइनली जो कार है वो रुक जाती है कुछ टाइम बाद में, एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो हो गई। अब टोटल टाइम जो है वो टी लग रहा है, यहां से यहां तक वाला जो टाइम है फर्स्ट वाले पार्ट में टी वन है, जब एक्सेलरेट होगी डीएसेलरेट हो रही टाइम लग गया टी टू, सो टी वन प्लस टी टू इक्वल्स टू टी, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब यहां से इक्वेशन में हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो v इक्वल्स टू u प्लस at लिख सकता हूं, u इक्वल्स टू 0 है तो v बराबर कितना आ गया? अल्फा इनटू t1। इस वाले इक्वेशन में देखें तो अगेन v इक्वल्स टू u प्लस at लगाएं तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v हो जाएगी एंड एक्सेलरेशन इज माइनस बीटा, तो अगेन इसके लिए भी देखें तो v बराबर बीटा इनटू t2 आ जाएगा। सो t1 इक्वल्स टू v बाय अल्फा एंड t2 इक्वल्स टू v बाय बीटा, ये दोनों वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करते हैं अपन, तो v अपॉन में अल्फा प्लस v अपॉन में बीटा इज इक्वल टू t। v कॉमन ले लीजिए, v बराबर आ जाएगा अल्फा बीटा इनटू t, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। सो वेलोसिटी जो है वो अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th। द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, 5 मीटर हाइट ग्राउंड से है ना, एक टैप है जैसे ड्रॉप गिर रही है, पानी की ड्रॉप जो गिर रही है, और ये कह रहा है कि जब फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही होती है फर्स्ट वाली, तो थर्ड ड्रॉप जो है वो टैप से बाहर निकल रही होती है, तो उस इंस्टेंट पर सेकंड ड्रॉप जो है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होगी। तो एक रेगुलर इंटरवल में ये ड्रॉप्स गिर रही हैं, तो इसका मतलब यहां से यहां के बीच में इसके बीच में लेट्स से टाइम टी नॉट है फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉप के बीच में, तो सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच में टाइम कितना होगा? टी नॉट होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ड्रॉप को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? 2t नॉट। सो 2t नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। 2h की वैल्यू कितनी? 5। g की वैल्यू कितनी? 10। ये 10 कट गया 1, तो t नॉट की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? 1/2 सेकंड। तो इस सेकंड ड्रॉप को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? 1/2 सेकंड। तो ये देखते हैं कि सेकंड ड्रॉप जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डाउनवर्ड। तो सेकंड ड्रॉप के लिए मैं एक सेकंड इक्वेशन लगा दूं, s इक्वल टू ut प्लस r2 स्क्वायर, तो u तो 0 है, हाफ ए, ए डाउनवर्ड है, नेगेटिव ले लेते हैं अपन, माइनस 10 क्योंकि g इज 10 एंड t इज t नॉट, t नॉट स्क्वायर करोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, सही है। तो s इज इक्वल टू ये आ गया अपने पास माइनस का 5/4, और माइनस का 5/4 को सॉल्व करें तो माइनस 1 पॉइंट ये आ जाएगा 1.25। तो 1.25 जो मीटर है डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव में, लेकिन अपन से पूछा ग्राउंड से हाइट कितनी है, तो ग्राउंड से हाइट कितनी है? 5 में से इसको सबट्रैक्ट कर दो, 5 में से सबट्रैक्ट करें अगर अपन तो वैल्यू आ जाएगी 3.75 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें। ओके, What will be the ratio of the distances moved by a freely falling body from rest in 4th and 5th second of the journey? Okay, 4th और 5th second में ही पूछा आपसे कितना distance travel करेगा, free fall हो रहा है, तो displacement in nth second कितना होता है? S is equal to u plus a by 2 to n minus 1, u तो दोनों में 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सारा खेल किस पे डिपेंड करेगा? a is g minus g, downward है,
तो ये भी सेम होगा, तो 2n माइनस 1 पे डिपेंड करेगा। तो फोर्थ सेकंड में अगर अपन बात करें तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 4 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 तो 7, और फिफ्थ सेकंड का मतलब 5 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9। तो दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो 7/9 आएगा, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ए पैसेंजर अराइविंग इन ए न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू ए होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन। ए कैबमैन टेक्स हिम अलोंग ए रैंडम पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट। ओके, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टैक्सी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी पूछिए, एवरेज स्पीड पूछिए। सबसे पहले अपन से एवरेज स्पीड पूछिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 23 किलोमीटर। ठीक है, 23 किलोमीटर, और आंसर जो किलोमीटर पर आर में भी दे रखा है, तो 28 मिनट है। 28 मिनट है, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम इज 28 मिनट, मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एंड देन फर्दर अगर अपन देखें, इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपन को, तो ये अपन कर सकते हैं, 2 से कट करें तो ये 14 आ गया, ये 13, देन 7, देन 15, और ये वैल्यू कितनी आएगी फर्दर अपन सॉल्व करें तो ये 2 से लगभग मान के चलिए तो ये 6 से वैल्यू ज़्यादा ही आएगी, 49.3 किलोमीटर पर आवर। और उसके अलावा एवरेज वेलोसिटी की पूछो, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्टेट अगर अपन देखें तो 10 किलोमीटर, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर है ना, और टाइम अगेन 28 मिनट, तो 28 और 60 ऊपर चला गया, अगेन इसको कट करो तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, ये 2 या यहाँ से इसको 15 से काट दो, 150 बाय 7 से कट करें तो कितना आएगा, ये 2 एंड 1 तो 121 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, तो फर्स्ट ऑप्शन का जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट एस इक्वल टू 200 मीटर, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एवरी 2 सेकंड ड्यूरिंग टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 6 सेकंड ऑफ द जर्नी। तो हर 2-2 सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए वो हमसे पूछा है यहाँ पर। तो जो भी हाइट से आपने रिलीज किया है, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है उसकी 0 है ना, और हर 2 सेकंड के अंदर पूछा, तो पहले 2 सेकंड में कितना चलेगा, एस इक्वल टू यू डी प्लस हाफ डी स्क्वायर, तो यू 0 है तो हाफ ए ए जी हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी, 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। और अगर मैं 4 सेकंड की बात करूं, नेक्स्ट मतलब शुरू से अगर 4 सेकंड की बात करूं, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में आ जाएगा अपने पास, तो शुरू से 4 सेकंड की बात करें तो कितना आएगा, 1/2 यू 0 अगेन जी इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ये, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगले 2 सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो आ जाएगा, तो 16 - 4 = 12 आ गया ना, तो जी इंटू 12/2। तो इन दोनों का रेशियो अगर अपन लें देखें तो रेशियो अगर देखें दोनों का, तो ये 4 है, ये 12 है, बाकी तो सारी सेम है ना, तो 4 = 12 तो 1:3 आ रहा है ना। नेक्स्ट भी अगर आप देखो तो अगले 2 सेकंड में पूछा जाएगा कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, शुरू से देखें तो 6 सेकंड हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। 36 में से अगर मैं ये 16 को सब्ट्रैक्ट कर दूं 36 में से, तो फिर कितना बचेगा, 20 तो 20 और 4 12 और 20 में अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूं या 4 को ही डिवाइड कर दें, तो 4 1 ये 3 आ जाएगा और वो 5 आ जाएगा, तो 1:3:5 जो है इसका रेशियो आ जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 29, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलेरेट्स एट द रेट एफ थ्रू ए डिस्टेंस एस, देन कंटिन्यूज एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी एंड देन डीएसेलरेट्स एट रेट एफ बाई 2 टू कम्स टू रेस्ट। इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15s, देन इनमें से करेक्ट ऑप्शन अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इधर, तो कार को इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करना है अपन को, तो यू इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन इसका एफ है, ठीक है, तो और एस डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है और कार जो है कुछ ना कुछ स्पीड गेन कर लेगी। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यू 0 है, वी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2as, ए की वैल्यू एफ है तो वेलोसिटी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, जैसे वी वेलोसिटी है तो 2fs ये वेलोसिटी आ गई। अभी कॉन्स्टेंट स्पीड से चलेगा, वो भी टी टाइम तक चलेगा, तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा, वी टी, स्पीड कॉन्स्टेंट है तो वी टी चलेगा। उसके बाद में यहाँ पर
जो स्पीड इसके पास v है अभी भी ऑलरेडी, फिर क्या होगा कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन f बाई टू है ना, f बाई टू से इसकी स्पीड डिक्रीज होगी एंड फाइनली ये थोड़ी दूर जा करके रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस वाले पाथ में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेट से दिस इज s डैश, तो इसमें भी इक्वेशन अगेन वही लगा सकता हूँ, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर हो जाएगी और एक्सेलरेशन से नेगेटिव आएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs as, तो a की वैल्यू f बाई 2 है और s यहाँ पर s डैश है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और v स्क्वायर जो है वहां से रखें तो कितनी वैल्यू आएगी 2fs, इसको सॉल्व करें f से f कैंसिल आउट हो गया तो s डैश की वैल्यू किसके बराबर आई 2s के बराबर आई, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 2s, तो 2s तो ये s ये 3s, 3s प्लस vt टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 3s प्लस vt और टोटल जो डिस्टेंस है 15s के बराबर है, तो 3s को 15s से सबट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 12s, तो 12s आ जाएगा ये vt equals to 12s है ना। अब v की वैल्यू अंडर रूट 2fs से ही रख दो तो स्क्वेयरिंग कर दें अपन, स्क्वेयरिंग करेंगे v स्क्वायर तो 2fs आ जाएगा, ये t स्क्वायर आ गया, ये 144s स्क्वायर आ गया, s से s कैंसिल आउट हो गया एक और 2 से भी कैंसिल आउट कर दो, ये 72 आ जाएगा, तो s equals to 1/72 into t स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड लेट एस वन बी द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट पी माइनस वन सेकेंड्स, तो पहले पी माइनस वन सेकेंड जो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है एस वन, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ एस वन इक्वल टू यू जीरो है हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए, एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, पी की जो वैल्यू है वो पी माइनस वन है तो पी माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, ओके एंड एस टू बी द डिस्प्लेसमेंट द फर्स्ट पी सेकेंड, तो p सेकंड में कितना चलेगा वो s2 है, s2 is equals to again 1 by 2 a p square, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, शुरू से ही अपन को देखना है इसको, ये वैल्यू आ गई, देन द डिस्प्लेसमेंट इन p square minus p plus 1 1th सेकंड राइट, मतलब उस पर्टिकुलर सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो nth सेकंड वाला जो फार्मूला वो लगाना अपन को, तो nth सेकंड वाला फार्मूला लगा दो, ठीक है u तो 0 है ऐसे ही, तो 1/2 into a 2n minus 1 ना 2n minus 1, यहाँ पे n क्या रखोगे आप, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन माइनस वन, ये वैल्यू रख दो, अब इसको सिंपल कुछ नहीं करना सॉल्व करना, तो a बाई टू इधर आ गया, ये टू पी स्क्वायर माइनस टू पी, ये टू माइनस वन, तो प्लस का वन बचेगा, ये वैल्यू आ गई देखो, अब इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है अपन को कौन सा सही है, तो देखो यहाँ पर टू पी स्क्वायर a बाई टू तो आ ही रहा है, देखो a बाई टू इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो अगर मैं कॉमन लूँ तो a बाई टू बाहर आ जाएगा, बाकी देखो टू पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन है, तो यहाँ p माइनस वन का होल स्क्वायर, उसको होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा p स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पी आ रहा है, p स्क्वायर भी आ रहा है और प्लस का वन भी आ रहा है और यहाँ पे p स्क्वायर, अगर दोनों ऐड कर दूं तो p स्क्वायर टू पी स्क्वायर हो जाएगा, तो s1 प्लस s2 एग्जैक्टली इसके बराबर आएगा है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले 31, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम t as 60 इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 and the particle starts from the origin, then the distance traveled by the particle in time t will be, तो initial velocity 0 है, u 0 है ना, और acceleration जो है वो आपको 60 given है, initially particle जो था वो origin पे था और distance पूछा है, तो सीधी सी बात है velocity 0 है initially, acceleration जो है वो positive है, मान लीजिए acceleration लगातार increase हो रहा है, तो सीधी सी बात है particle straight line में जाएगा तो distance और displacement दोनों equal होंगे, ठीक है, तो इनकी value जो है वो t के terms में हमें बतानी, तो a equals to मैं लिख सकता हूँ dv by dt, तो अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दूं टी के रेस्पेक्ट में तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डीटी का इंटीग्रेशन मतलब 6 टी स्क्वायर बाय 2 व्हिच इज 3 टी स्क्वायर है ना, ये वैल्यू आ गई, और वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो अगेन इसको इंटीग्रेट कर दो क्योंकि पहले ओरिजिन पे था, तो पोजिशन या एक्स जो है वो अपने पास कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन करें 3 टी क्यूब बाय 3 राइट, 3 टी क्यूब बाय 3 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा टी क्यूब, तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो ये काफी आसान क्वेश्चन बन जाता, तो आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, द फिगर शोज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और इनिशियली वेलोसिटी जो है वो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी देखो इसमें भी जीरो इसमें भी जीरो इसमें भी जीरो उसमें भी जीरो, और बाकी अगर देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को बताता है, तो अपन को बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ग्राफ से अपन को पता लगा लेना है। देखिए इस वाले पार्ट में देखें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, पॉजिटिव होने का मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा और वैल्यू भी फिक्स रहनी चाहिए, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब स्ट्रेट लाइन
राइट, तो वो इसमें भी मिल रहा है, इस वाले पार्ट में मिल रहा है और इस वाले पार्ट में मिल रहा है, ठीक है, इस वाले में नहीं है तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो तो इस वाले स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्सेलरेशन वैल्यू जीरो है, एक्सेलरेशन वैल्यू जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट किस किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें तो जीरो हो रही है तो ये गलत हो जाएगा। और थर्ड की बात, थर्ड वाले पार्ट की बात करें अपन, तो एक्सेलरेशन अगेन पॉजिटिव हो गया, देखो पॉजिटिव होने का मतलब अगेन वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है वो पॉजिटिव होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए, इसका मतलब स्लोप फिक्स होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें देखो नेगेटिव आ रहा है स्लोप इस लाइन के अकॉर्डिंग, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, उसमें भी पॉजिटिव है, लेकिन यहां से ही गड़बड़ हो गया ना, ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है अपन को, इसका डिफरेंशिएशन करते वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी क्या आएगा, ए कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन, और ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आ जाएगा तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी वेलोसिटी आ गई। एंड स्पीड जो है ना वो वेलोसिटी का मॉडुलस होता है, तो माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी ग्राफ अपन जानते हैं ऐसा बनेगा, देखो ये वाला, लेकिन मॉडुलस अगर ले लें तो नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट कर देना बस, और कुछ नहीं करना, तो मोड ले लेंगे तो सीधी सी बात है ये वाला ग्राफ ऐसा ही तो बनेगा सेम, तो थर्ड ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। 34, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट वॉज ऑब्जर्व एट ए हाइट एच ट्वाइस विद ए इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, ओके, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज, देखिए जैसे हमने ग्राउंड से यू स्पीड से बॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ, बॉल ऊपर की तरफ जाती है एंड देन वापस आती है, लेकिन इस दौरान बॉल जो है वो एक एच हाइट को दो बार क्रॉस करती है, राइट, जाते समय अगर बात करूं यहां से यहां तक के लिए टाइम मान लो टी वन है, यहां से यहां तक वाला टाइम जो है जैसे ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक टाइम कितना लगा, टी वन लगा, और यहां से यहां तक वाला जो टाइम है देखो जब जाके वापस आएगी तो अगेन उसी हाइट पे ही उस पॉइंट को क्रॉस करेगी ना, तो यहां से यहां तक वाला जो टाइम है टी टू है और यहां से यहां तक वाला टाइम कितना, टी वन है, तो टी टू माइनस टी वन जो है वो गिवन है डेल्टा टी, राइट। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं एस इक्वल टू यूडी प्लस हाफ डी स्क्वायर, तो एस तो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और जब इन दोनों पॉइंट के लिए बात करें डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर ही होगा, u पॉजिटिव है ऊपर की तरफ तो प्लस का u इंटू टी, जी डाउनवर्ड तो माइनस जी, तो माइनस का जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे और इसमें t की दो वैल्यू आएंगी, एक ज्यादा वाली वैल्यू जो है वो t2 होगी और कम वाली वैल्यू t1 होगी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं डेल्टा टी आ जाएगा, तो वहां से शायद अपन u की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहां पर, तो इधर आ गया 2h, इधर आ गया 2ut माइनस का gt स्क्वायर, राइट, और फर्दर इसको अपन थोड़ा सा अरेंज कर दें, जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी प्लस का टू एच इज इक्वल टू जीरो। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करें, तो टी इक्वल टू टू यू प्लस माइनस अंडर रूट, यहां देखते हैं चलो, तो टू यू का होल स्क्वायर मतलब फोर यू स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा फोर इंटू टू एच इंटू जी, तो माइनस का एट जी एच आ गया ये, ठीक है, एंड अपॉन में टू जी, फोर को अपन बाहर ला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 4 का जो भी है तो t की वैल्यू आ जाएगी u प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2gh और अपॉन में g। तो यहां पर हमें टाइम मिल चुका है, राइट। अब इस टाइम को अपन को सेटल डाउन करना है, देखिए इसमें ज्यादा वाला टाइम कौन सा है जब प्लस यूज करेंगे और कम वाला टाइम जब माइनस यूज करेंगे, तो टी टू माइनस टी वन अगर अपन करें यहां पर, ठीक है, टी टू माइनस टी वन अगर अपन करें तो डेल्टा टी आएगा, और डेल्टा टी अगर करें तो उस केस में u जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पर 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन में g। इसको फर्दर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो g डेल्टा t आ जाएगा, ये स्क्वेयरिंग कर देंगे तो 4 आ जाएगा इधर की तरफ, तो ये वैल्यू देखो कितनी आएगी, g स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 4 u स्क्वायर माइनस 8gh, और 8gh इधर ऐड कर देंगे अपन तो g स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर 8gh और 4 डिवाइड में आ गया एंड देन अंडर रूट कर देंगे तो 4 का 2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें भी तो हमें मिल रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन जो इसका करेक्ट मिल रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द बॉल टेक्स 0.5 सेकंड टू फॉल पास्ट द 3 मीटर लेंथ ऑफ विंडो सम डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, okay, if the velocity of the ball at the top end at the bottom of the window are vt and vb respectively, then aur gm 9.8 meter per second square given hai, okay, to ye keh raha hai ki aapne building ke top se ek ball ko release kiya to velocity initial zero hai
और बिल्डिंग से जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है जब बॉल, तो बीच में एक विंडो है, राइट। विंडो की बॉल जो है क्रॉस कर रही है, टॉप पॉइंट को विंडो को ये VT वेलोसिटी से क्रॉस करती है और बॉटम वाले पॉइंट को VB से क्रॉस करती है, राइट। और इस दौरान जो टाइम लग रहा है ना यहाँ से यहाँ तक वाला, वो टाइम है 0.5 सेकेंड, और जी की वैल्यू 9.8 दे रखी हमें। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं v बराबर u प्लस at, तो v बराबर u प्लस at, तो vb, तो v vb हो गया यहाँ पर, है ना। और vb और vt आ गया नेगेटिव, नीचे वाले डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ, तो दोनों के दोनों नेगेटिव ही वैसे, और ab नेगेटिव ही है माइनस का जी, तो वो सारे नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9.8 इंटू टाइम कितना आ गया, 0.5, मतलब 1/2, तो ये 4.9 आ गया। तो vb माइनस vt जो है वो 4.9 आ जाएगा, ठीक है। vb माइनस vt 4.9 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको vt माइनस vb भी बोल सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी अगर एज ए वेक्टर की तरह अगर मैं डील करूं, तो जैसे मान लो कि vt नेगेटिव है, vb भी नेगेटिव है, सपोज वेलोसिटी को एज ए वेक्टर की तरह डील करें, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसको अपन आंसर में दे सकते हैं सेकंड ऑप्शन को। और फर्स्ट ऑप्शन vt प्लस vb 12 मीटर पर सेकंड है, इसको भी चेक करना है, चलिए देखते हैं। अच्छा ये भी कह रहा है कि 3 मीटर लेंथ की है विंडो, तो हम थर्ड इक्वेशन लगा दें यहाँ पर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसमें भी अगर मैं अप्लाई करूं, तो vb स्क्वायर इक्वल टू vt स्क्वायर, है ना। a जो है वो माइनस का जी है, और s भी माइनस का है क्योंकि डाउनवर्ड है 3 मीटर है, तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस में 2, a की वैल्यू 9.8, और जो s है वो कितना है 3 है यहाँ पर, है ना। तो अगर vb स्क्वायर बराबर vt स्क्वायर, तो vb माइनस vt इनटू vb प्लस vt में लिख सकता हूँ। तो vb माइनस vt की अगर बात करें यहाँ पर, vb माइनस vt और इनटू में आ जाएगा vb प्लस vt, राइट, vb प्लस vt, और बराबर आ जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 3। तो vb माइनस vt को मैं 4.9 यूज कर सकता हूँ, 4.9 से फिर ये 9.8, तो 2 टाइम्स ही कट जाएगा, तो 2 इंटू 2, 4 इंटू 3, 12, तो 12 मीटर पर सेकंड भी आ रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसके जो है करेक्ट माने जा सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा परफेक्टली अगर बात करें तो, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। गिवन बिलो आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फोर पार्टिकल्स ए बी सी एंड डी, एक्स ए इक्वल टू 60 माइनस 3, चलिए लिख लेते हैं इसको, एक्स ए इज इक्वल टू 60 माइनस 3, एक्स बी इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, ओके, एक्स सी इज इक्वल टू 3t³ - 2t² एंड सॉरी 2t² + t - 7 एंड एक्स डी इज इक्वल टू 7 sin ωt। ये पांच इक्वेशन आपके पास, तीन चार इक्वेशन सॉरी, पूछा पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन इज, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना अपन को, और वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं एक बार, तो वेलोसिटी आएगी 6, कांस्टेंट होगी, और एक्सेलरेशन के लिए अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करें, तो इसका एक बार डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 8t - 2, एंड फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो 8t का 8 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है, वो भी नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, तो ये मतलब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले पार्ट में 3t³ है, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो t की टर्म्स जरूर आनी है इसके अंदर, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये गलत हो गया। लास्ट वाले में 7 sin ωt, साइन का पता ही अपन को कि एक बार दो बार कितनी बार भी डिफरेंशिएट करो तो फंक्शन तो साइनसोइडल ही रहेगा ऑलवेज, इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं आएगा, उसकी टाइम पर डिपेंडेंसी रहेगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी वाला है, सी जो है वो उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, नहीं सॉरी डी वाला, बी वाला है ना, बी वाले में कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है बी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलें। टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट सेम टाइम, देयर पोजीशंस आर गिवन बाय एक्स पी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर एक्स क्यू एफ टी माइनस टी स्क्वायर, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर करनी हमें, तो और यहाँ पर एक्स पोजीशन गिवन है, तो एक बार डिफरेंशिएट करके बराबर कर दो इक्वेशन को, से ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा ए प्लस 2 bt, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा एफ टी का एफ माइनस 2 t, बस टाइम ही तो पूछा है इसके अंदर, तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से है ना अपन एक काम करते हैं, इस 2 t को इधर ले आओ, ए को उधर ले जाओ, तो 2 t इधर आएगा, तो 2 कॉमन आ गया 2 t, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, आ जाएगा बी प्लस 1, राइट, आई थिंक सही किया मैंने, तो 2 t कॉमन आ गया, तो 1 + b बराबर f माइनस a आ गया। सो वी हैव t इक्वल्स टू f माइनस a अपॉन में 2 b + 1, f माइनस a, f माइनस a देखना अपन को कहाँ पे है, f माइनस a यहाँ पे आ रहा है और 2 b + 1 ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें।
The displacement time graph of moving particle is shown below. The instantaneous velocity of the particle is negative at that point. Velocity अपन से पूछिए negative कहाँ पे होगी? Instantaneous velocity. Displacement time graph का slope जो होता है वो velocity को बताता है. और negative का मतलब slope negative देखना है अपन को, है ना? Slope negative. इस पे C पे positive आएगा, D पे 0 मिल रहा है अपन को, E पे देखो negative मिल रहा है, F पे positive मिल रहा है. तो कौन सा option सही हो जाएगा? E, मतलब second वाला, है ना? Second में E है, तो second जो है वहाँ पर velocity negative हो जाएगी. Next question पे. 39. Two bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from a height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground is. दोनों को ground तक पहुंचने में कितना time लगेगा? T equals to under root 2 h by g, है ना? तो A के लिए बात करें तो time कितना लगेगा? Under root 2 h. G तो same ही आएगा. तो under root 2 h, 2 भी कट जाएगा. तो under root में h1 by h2 आ जाएगा. Option की बात करें तो 16 और ये 25 आ जाएगा. है ना, ए और बी की बात हो रही है यहाँ पर. तो अंडर रूट में 16 बाई 25, तो ये 4/5 आ जाएगा. खत्म, सिंपल क्वेश्चन था. थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, 40 पे आइए. ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एच एंड अनदर बॉल अनदर फॉर्म 2h. द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट बॉल टू दैट ऑफ द सेकंड बॉल टू रीच द ग्राउंड इज. तो ये तो काफी आसान है. अगेन वैसा ही सेम क्वेश्चन आ गया. एक को एच से रिलीज किया, एक को 2h से रिलीज किया. टाइम बताइए कितना आएगा, रेशियो क्या आएगा, है ना? फर्स्ट बॉल टू दैट ऑफ द सेकंड बॉल इज. तो अंडर रूट में h1 बाय h2 मतलब 1 बाय रूट 2. तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 41. ओके, तो पूछा है पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कवर्स डिस्टेंस ए एंड बी इन द सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स ऑफ पी एंड क्यू. ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज. तो जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है? और सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स, जैसे सपोज शुरू से जो टाइम इंटरवल है वो पी लगा, पी के बाद में फिर क्यू लगा टाइम इंटरवल, तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ए और बी है. और हमसे एक्सेलेरेशन की वैल्यू पूछी है, राइट? इक्वेशन सेकेंड लगा दूं मैं. तो जैसे सबसे पहले बात करेंगे पी इंटरवल के लिए. तो वेलोसिटी जो है इनिशियल हमें गिवन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको जीरो मान लें यहाँ पर, ठीक है? तो एस जो है वो हमें दे रखा है ए के इक्वल. तो ए इक्वल्स टू यू इंटू पी प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन को मैं एक काम करता हूँ अल्फा मान लेता हूँ इंटू टी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर. ओके, तो पी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस ए ट्रेवल करेगा एंड विच इज यू इंटू पी प्लस हाफ अल्फा पी स्क्वायर. सेकेंड जो है वो बी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगले क्यू इंटरवल में. तो बताइए शुरू से अगर मैं बात करूं कितना चलेगा फिर उस केस में, ए प्लस बी ना? शुरू से अगर बात करें तो वेलोसिटी उस केस में इनिशियली यू जाएगी और टाइम हो जाएगा यहाँ पर पी प्लस क्यू और यहां आ जाएगा 1/2 अल्फा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर. बस अब यहां से हमें ना यू को रिप्लेस करना है, यू को हटाना है क्योंकि यू नीचे है हमें, और अल्फा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी है अपन को, ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो यहां से एक काम करेंगे, इसमें यू की जो वैल्यू है वो यहां रख देते हैं अपन. तो देखिए क्या वैल्यू आती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू यू की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, ये आ जाएगा पी प्लस क्यू एंड देन यू, यू आ जाएगा यहां पर a माइनस अल्फा पी स्क्वायर बाय 2, ठीक है? अपॉन में p से मुझे इसको डिवाइड करना है, तो ये a बाय p हो जाएगा, a बाय p, और यहां से पावर हट जाएगी इसकी, ये वैल्यू आ गई. एंड देन अल्फा बाय 2 ये आ जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है? एंड देन फर्दर इसको सॉल्व करें अपन, तो a प्लस b इज इक्वल टू को उस इक्वेशन को सॉल्व करें तो p इनटू में a बाय p मतलब a बचेगा, ठीक है? एंड देन माइनस अल्फा p स्क्वायर बाय 2 आ गया. फिर उसमें देखें तो a q अपॉन में p एंड माइनस अल्फा p q बाय 2, ठीक है? ये वैल्यू आ गई. और इसमें भी अगर अपन सॉल्व करें इसको तो इसमें क्या आएगा, अल्फा p स्क्वायर बाय 2 अल्फा क्यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है? एंड प्लस अल्फा पी क्यू, 2 से 2 कट जाएगा, तो अल्फा पी स्क्वायर बाय 2, अल्फा पी स्क्वायर बाय 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, राइट? ए से ए कैंसिल आउट हो गया अपने पास, और क्या बचेगा यहाँ पर? तो और अगर देखें तो ये बी बच रहा है यहाँ पर, तो इस वाले पार्ट को आप उधर ले जा सकते हो उस साइड, तो यहाँ बचेगा बी माइनस ए क्यू बाय पी, ठीक है? और इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा पी क्यू बाई 2 बचेगा ना, हाफ है तो
तो ये पॉजिटिव में बचेगा, तो अल्फा पी क्यू बाई टू, तो क्यू बाई टू, अल्फा क्यू बाई टू, तो क्यू बचा एक तो यहाँ पर, और यहाँ बचेगा पी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको एलसीएम ले लो, तो ये बी पी आ गया, बी पी अपन में पी आ जाएगा, तो हमसे अल्फा की वैल्यू पूछिए ना यहाँ पर, तो अल्फा आ जाएगा इसमें, इसको देख लेते हैं अपन, तो बी बी पी माइनस का ए क्यू, राइट, बी पी माइनस का ए क्यू, और डिवाइड में आ जाएगा, इंटू में टू भी आएगा, बी पी माइनस ए क्यू इंटू में टू, टू देखो यहाँ पे आ रहा है देखो, और डिवाइड में अल्फा की वैल्यू पूछिए तो क्यू प्लस पी और अपॉन में पी क्यू भी आ जाएगा, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ओके, फॉर ए पार्टिकल शोन डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछिए। देखिए एस टी कर्व का स्लोप ही वेलोसिटी को बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्लोप जहां पे मैक्सिमम होगा वहीं वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो स्लोप सी पे साफ साफ नजर आ रहा है ज्यादा है, डी पे कम हो जाएगा, बी पे कम है, ए पे ऑलमोस्ट जीरो सा है, तो सी पे सब ज्यादा है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पाइए, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स पोजीशन एक्स इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी वन टी प्लस बी टू टी स्क्वायर प्लस बी थ्री टी क्यूब, द इनिशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल इज, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो बस एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, तो बी वन टी का बी वन हो जाएगा, बी नॉट का जीरो हो जाएगा, प्लस टू बी टू टी प्लस थ्री बी थ्री टी स्क्वायर, ये आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो बी वन का जीरो हो जाएगा, तो इसका टू बी टी का टू बी टू टी का टू बी टू प्लस इसका आ जाएगा सिक्स b3 t, ये एक्सेलेरेशन आ गया, और इनिशियल बात करें तो t की वैल्यू जीरो रख दो, t जीरो रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b2, अब 2b2 कहां पे मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट पे चलें। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर oa वेक्टर ob वेक्टर एंड oc वेक्टर इन द गिवन फिगर, oa ob एंड oc वेक्टर, आपको मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर दे रखा है तीनों वेक्टर्स का, द डायरेक्शन ऑफ ob वेक्टर oa वेक्टर प्लस ob वेक्टर माइनस oc वेक्टर विद x एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले इनको वेक्टर फॉर्म में आप या यूनिट यूनिट वेक्टर की टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि इनका मैग्नीट्यूड सपोज वन वन है सबका ही, तो सबसे पहले मैं ओए वेक्टर की बात करूँ, तो ओए वेक्टर को आप क्या लिखोगे, वन का इस तरफ एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, वन कॉस थर्टी, ओए लिख देता हूँ यहाँ पर, ओए वेक्टर वन कॉस थर्टी मतलब रूट थ्री बाई टू आई कैप, एंड वन साइन थर्टी मतलब वन बाई टू जे कैप, ये आ गया। ओ बी वैक्टर की बात करें तो ओ बी वैक्टर कितना आएगा यहाँ पर, OB वेक्टर जो है cos कंपोनेंट जो है इसका cos 60 1 by 2 हो जाएगा, तो i cap by 2 और ये डाउनवर्ड मतलब माइनस का रूट 3 by 2 j cap आ गया। OC वेक्टर की बात करें 45 पे 1 1 का है तो 1 by root 2, तो i cap by root 2, ये भी i cap by root 2, लेकिन ध्यान रखना x जो कोऑर्डिनेट नेगेटिव है y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो j by root 2 ये वैल्यू आ गई। अब OA प्लस OB इन दोनों को सम करना है, इनको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का ये जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, है ना, अब इनको ऐड कर दो आप, तो रूट थ्री बाई टू एंड आई बाई टू एंड माइनस का जो आई बाई टू है, यहाँ से अगर अपन देखें तो एक्स कंपोनेंट जो है वो कितना आएगा, रूट थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई रूट टू, ये एक्स कंपोनेंट आ गया। और वाई कंपोनेंट की बात करें तो ये वाला जो था वो प्लस था लेकिन माइनस हो चुका है, तो y कंपोनेंट की बात करें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा अपने पास, प्लस में 1 बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस का 1 बाई रूट, ये j कंपोनेंट आ गया। तो tan थीटा जो है यहाँ पर वो ऑब्वियसली जो y कंपोनेंट है अपन में x कंपोनेंट के बराबर होगा, तो हमसे एंगल ही पूछा है, डायरेक्शन पूछी है थीटा tan इनवर्स में, तो अपन आसानी से इसमें इसको डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं, तो जो इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे टू रूट टू आ जाएगा एलसीएम, तो टू रूट टू जो है एलसीएम लें तो वैल्यू ऊपर कितनी आएगी, रूट टू, ठीक है, ये आ जाएगा रूट टू माइनस, देन फर्दर देखें तो या सिंपली टू ही ले लेते हैं, इसमें सही रहेगा, टू का एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, वन माइनस रूट थ्री एंड माइनस रूट टू, राइट, और डिवाइड में ही आ जाएगा, इसमें भी टू का एलसीएम ले लो तो टू का एलसीएम लेंगे तो रूट थ्री प्लस वन माइनस रूट टू, ये टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा बराबर टेन इनवर्स में ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये देखते हैं कि इसमें मिल रहा है अपन को वन माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू, ठीक है, और अपॉन में ओके सॉरी ये प्लस था ना एक्स कंपोनेंट, सो सारे ऐड हो गए ना, प्लस आएगा ये,
नहीं माइनस था प्लस हो जाएगा, यहाँ गलती कर दी मैंने, प्लस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर एक्स कंपोनेंट, तो क्योंकि और ऑप्शन मिल नहीं रहा था इसलिए मेरा माइनस स्ट्राइक कर गया यहाँ पर। तो वन माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू अपन में रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट टू, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। द एंगल बिटवीन वैक्टर ए वैक्टर एंड ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इज, आपको एंगल 120 गिवन है और ए और बी के बीच में, ये वाला एंगल 120 लेकिन ए और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री है। अभी कह रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देखिए ये बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है ठीक है, और ये वाला एंगल 120 है मेरे पास, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला आ जाएगा है ना, इसको ड्रॉ करें अपन, कुछ इस टाइप से, ये वाला एंगल हमसे पूछा है, बीटा की वैल्यू यहां से अपन से पूछी है, तो बीटा कितना आएगा राइट, ओके दिस एंगल इज 120, तो ये वाला एंगल कितना आएगा यहां पर, ये वाला एंगल ये देखो ये तो एक इक्वल है ठीक है, और ये इसका मैग्नीट्यूड बी तो है और क्या है, ये बी के बराबर, और ये वाला एंगल कितना है यहां से देखो, तो ये वाला एंगल कितना है 120 है, बस बीटा की वैल्यू निकाल लो, सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर अपन को मालूम ही है तो उसमें उसको सॉल्व करना, बस वैल्यू रखनी है, तो बताइए 10 बीटा इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा बी साइन 120 है ना, बी साइन थीटा, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 के बराबर होती है, साइन 60 जानते हो आप रूट 3/2 ठीक है, रूट 3/2 आ जाएगा, और डिवाइड में अगर अपन बात करें तो कितना आता है ए एंड माइनस में आ जाएगा ये ठीक है, या ए प्लस प्लस में लिख दो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में बी कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू माइनस का कॉस 60, तो माइनस बी कॉस 60 1/2 ये वैल्यू आ गई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अपने पास रूट थ्री ऊपर आ गया बी, टू से टू कट जाएगा 2a माइनस बी आ जाएगा है ना, तो रूट थ्री बी अपन में 2a माइनस बी, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा 45th में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 46, a mosquito is moving with velocity is v vector 0.5 t square i cap minus 3 t j cap plus 9 k cap meter per second, what will be the direction of motion with y axis at equals to 2 second, 2 second पर y axis से हमसे direction पूछी है ठीक है, direction क्या होनी चाहिए, ओके चलो देखते हैं, तो velocity हमको given है, तो velocity से अपन y axis से direction find out कर सकते हैं, तो 2 second पर अगर velocity अगर अपन find out करें यहाँ पर ठीक है, 2 second पर तो 2 सेकंड पर अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो वेलोसिटी कितनी है कि v वेक्टर इज इक्वल टू 2 to the 4 इंटू 0.5 मतलब 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 9k कैप, ये वेलोसिटी है 2 सेकंड पर राइट, तो एंगल पूछा हमसे y एक्सिस के साथ, तो y एक्सिस के साथ जैसे सपोज कोई वेक्टर है a वेक्टर axi के प्लस ay j के प्लस az k के, और इस a वेक्टर का अगर y एक्सिस के साथ एंगल अगर पूछे तो एंगल जैसे x के साथ अल्फा है, y के साथ बीटा है, एंड z के साथ गामा है, तो डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से अपन इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको अगर मुझे ये मैं ax लिख सकता हूं, ये ay लिख सकता हूं, और ये az लिख सकता हूं, तो cos अल्फा यहां पर कितना आएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस सिक्स ए वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ सम ऑफ दिस क्वांटिटीज, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 अपॉन ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ये 40 एंड 1 कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, ये तो माइनस का 6 बाय अंडर रूट 121 आ गया है ना, इससे अपन टेन की टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हैं कि ऑप्शन टेन की टर्म्स में गिवन है ठीक है, तो कोस को 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली, तो ये तो आ गया माइनस का 6, ये आ गया 1 अंडर रूट 121, देन परपेंडिकुलर कितना आएगा 121 माइनस 36 जो है उसका अंडर रूट आएगा अंडर रूट 85, ये अंडर रूट 85 आ जाएगा क्लियर, तो 10 के अंदर जो आंसर आएगा अंडर रूट 85 माइनस 6 ठीक है, वाई प्लस वाई डायरेक्शन से जो एंगल है ना वो माइनस का अंडर रूट 85 बाय 6 आएगा वाई डायरेक्शन से राइट, लेकिन इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों ही पॉसिबल है, प्लस में भी पॉसिबल है एंड माइनस में भी पॉसिबल है, तो हम माइनस लेकर अगर चलें तो 10 इस केस में पॉजिटिव भी आ सकता है, और पॉजिटिव आएगा तो 10 इनवर्स रूट 85 बाय
सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो बेटर ऑप्शन है इसमें सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप। प्रोजेक्शन पूछा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए का अगर बी के लूंगा अगर प्रोजेक्शन पूछे तो ए कॉस थीटा आएगा विच इज ए डॉट बी बाई बी, तो प्रोजेक्शन आ जाएगा ए डॉट बी बाई बी, ये तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ए डॉट बी बाई बी की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करें तो ए डॉट बी कितना आएगा आई जे तो ये वन वन टू आ जाएगा, के का तो है ही नहीं यहाँ पर, मॉड ऑफ बी कितना आएगा अंडर रूट टू, तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट टू। तो ये प्रोजेक्शन आया बी के लॉन्ग, लेकिन उसके डायरेक्शन वेक्टर में भी लिखना है, तो वेक्टर में लिखे तो रूट टू तो वैल्यू आ गई, और वेक्टर डायरेक्शन क्या आ जाएगी बी की आ जाएगी, बी की डायरेक्शन अगर देखें तो आई कैप प्लस जे कैप और अपॉन में इसका मॉडुलस रूट टू, यूनिट वेक्टर लेना है ना, यूनिट वेक्टर आ गया तो रूट टू से रूट टू कट गया, तो वेक्टर आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। लेट मोड ऑफ ए वन इज इक्वल टू थ्री, मोड ऑफ ए टू इक्वल टू फाइव एंड मोड ऑफ ए वन प्लस ए टू इक्वल टू फाइव, ठीक है। टू ए वन वैक्टर प्लस थ्री ए टू वैक्टर क्रॉस थ्री ए वन वैक्टर माइनस टू ए टू वैक्टर इज, तो दोनों वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना अपन को। देखिए टू ए वन वैक्टर का थ्री ए वन के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो जीरो आएगा, सेम वैक्टर है ना सेम डायरेक्शन में, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो जाएगा। टू ए वन का माइनस टू ए टू के साथ करें तो टू टू जो फोर माइनस ए वन क्रॉस ए टू आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस को हटा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए टू क्रॉस ए वन, तो ए टू क्रॉस ए वन आ गया। देन फिर आगे बढ़े, 3a2 का 3a1 से करें तो प्लस का 9a2 क्रॉस a1 आ गया, ठीक है। और 3a2 का माइनस 2a2 के साथ अगेन क्या हो जाएगा सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो भी क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो 9 एंड 4 कितना आया 13 आ गया, और इसकी वैल्यू पूछी है तो हालांकि ये वेक्टर है तो वेक्टर में ऑप्शन में इसमें माइनस में दे रखे हैं सारे के सारे, तो हम केवल वैल्यू इसकी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें साइन जो है वो माइनस का ही रखेंगे अपन, ठीक है। तो 13 A1 A2 की वैल्यू लिखे हैं अपन सिंपली, तो A1 A2 इनटू में साइन थीटा आ गया, तो A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी 3, तो 3 रख देंगे यहाँ पर, A2 की वैल्यू कितनी 5, साइन थीटा को रख सकते हैं अपन अंडर रूट 1 माइनस कॉस का थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अपन को, कॉस थीटा की वैल्यू देखो कितनी आएगी, कॉस थीटा देखो ये जो इक्वेशन अपन को दे रखी है यहाँ पर, यहाँ से अपन कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मोड ऑफ A1 A2 कितना है 5, तो मोड ऑफ A1 A2 को लिख सकता हूँ अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा, तो ये आ जाएगा 25, स्क्वेयरिंग करेंगे तो A1 स्क्वायर आ जाएगा, A1 की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, A2 स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस 2 इनटू में 3 इनटू 5 इनटू में cos थीटा, ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो -9 / ये आ जाएगा 6 इनटू 5 30 बराबर cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 3/10, ये cos थीटा आ गया। अब इसका यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो कॉस का थीटा आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/100, और इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी 13 इंटू ये आ जाएगा 15 और ये आएगा अंडर रूट 91/10, ठीक है 91/10। अब सारी वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है तो उसको नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे अपन, साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर जो साइन है उस साइन को नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं अपन एक बार के लिए, लेकिन इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे अपन इसका आंसर जो आता है वो 186 के अराउंड वैल्यू आती है, जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 ये बोनस हो जाएगा आपका, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ए स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ ए रोड एंड राइट एज 3.50 सेंटीमीटर, ओके, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसने मेजर मतलब लेंथ को मेजर करने में यूज किया है। तो 3.50 सेंटीमीटर जो है इससे अगर अपन देखें तो लीस्ट काउंट कितना आ रहा है 0.01 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग देखना है अपन को। स्क्रू गेज 100 डिवीजन है एंड पिच लेंथ कितनी दे रखी है अपन को 1 mm, तो इसका लीस्ट काउंट कितना जाएगा 1 mm को 0.1 सेंटीमीटर लिख सकता हूं अपन में 100 डिवीजन, तो इससे तो बहुत कम आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। सेकंड देखें, स्क्रू गेज 50 डिवीजन है 1 mm पिच है तो 0.1 अपॉन में 50, अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो ये इससे भी कम आएगा, तो ये भी नहीं होने वाला यहां पर, ठीक है। सेकंड मीटर स्केल में होता ही नहीं है, पता ही मीटर स्केल में 1 mm आएगा तो वो भी नहीं है। फोर्थ ही बचा है केवल, ठीक है, तो वैसे फोर्थ को भी चेक कर लें अपन। वर्नियर कैलिपर वेयर द 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल मैचेस विद 9 डिवीजन विद मेन स्केल एंड मेन स्केल हैव 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, तो 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm बिकॉज 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, तो 1 MSD इज 1 mm माइनस 1 VSD की बात करें तो यहां पे दे रखा है देखो जो
VSD है, 1 ईयर स्केल डिवीजन VSD, वो 9 MSD के बराबर है, एंड 1 MSD इज 1 mm, सो 1 VSD इज 9 बाय 10 mm, सो 0.9 mm. सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 माइनस 0.9 व्हिच इज 0.1 mm. 0.1 mm मींस 0.01 सेंटीमीटर, और जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया अपन से, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये सिंगल करेक्ट का लास्ट जो है वो क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी. वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर ध्यान रखना, 1 MSD, एंड nth डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n माइनस 1th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल. ओके, द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर इन mm इज, mm में पूछा लीस्ट काउंट, चलो सेंटीमीटर मान लेते हैं. 1 MSD ए सेंटीमीटर है, तो 1 MSD ए हो गया, माइनस 1 VSD निकालना है, तो ए जो n माइनस 1 जो MSD है, मतलब ए इंटू n माइनस 1, वो n VSD के बराबर होंगे. तो 1 VSD कितना आया, ए एन माइनस 1 माइनस अपॉन में n, तो 1 VSD की वैल्यू रख देते हैं अपन, ए एन माइनस 1 बाय n. इसको सॉल्व करें तो ए एन माइनस ए एन कट जाएगा, प्लस में a बाय n आ गया, ये सेंटीमीटर में है. सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर इन सेंटीमीटर, विच इज a बाय n. बट इन mm अपन को ये सेंटीमीटर में mm में कन्वर्ट करना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो 10 a बाय n इसका आंसर आ जाएगा. फोर्थ इज करेक्ट. ओके, तो ये थे आपके सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस. नेक्स्ट सेक्शन पे अपन चलते हैं. नेक्स्ट सेक्शन है जी अपना इंटीजर टाइप, ठीक है? और इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आंसर है ये, इसमें डेसिमल में भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपसे, आंसर जो हो सकता है इसका. तो चलिए इसको शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इन ए अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन दिस सिस्टम यूनिट विल बी, ठीक है? अब देखिए, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये डेंसिटी की यूनिट है. और एक दूसरा सिस्टम है जिसके अंदर लेंथ की जो यूनिट है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब लेंथ एल लिख देता हूं मैं, एल इज 10 सेंटीमीटर, राइट? एंड मास, मास को मैं एम लिख देता हूं, एम इज 100 ग्राम. सिंपली 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, एल बाय 10 के, तो इसको कन्वर्ट करना है, ये 1 ग्राम है, ग्राम को लिख सकता हूं एम बाय 100, एम बाय 100 आ गया, ठीक है? और सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर इज एल बाय 10, एल क्यूब बाय 10, 10 ऊपर, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 1000 आ गया, 0 0 ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40, ओके, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. क्वेश्चन नंबर 2, इन CGS सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन्स, इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम मीटर एंड मिनट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज, ठीक है? ये भी आसान क्वेश्चन है. देखिए, फोर्स की जो यूनिट है वो 100 डाइन है, 100 डाइन मतलब CGS के अंदर, डाइन का मतलब क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करते हैं चलो. तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या, किलोग्राम के अंदर है ना, किलोग्राम, तो ये ग्राम है, तो किलोग्राम में क्या आएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 kg, सेंटीमीटर क्या आएगा, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, है ना? और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है अपन को, तो 60 सेकंड इक्वल्स टू 1 मिनट, तो 1 सेकंड इक्वल्स टू मिनट अपॉन 60, स्क्वेयरिंग करेंगे तो 60 मतलब 60 का स्क्वायर मतलब 3600 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वो, तो 0000 40 है ना, ये 40, तो ये 40 यहां से उड़ जाएंगे, देखो ये 1 बचेगा, 36 into 10 to the power minus 1, which means 3.6. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.6. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. स्पीड्स ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर u and 2u respectively at a specific instant. If the same retardation is applied to both the cars, the ratio of the respective distance in which the two cars are stopped from that instant is. Respective distances अपन से पूछिए. देखिए, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो v square equals to u square plus 2s लगा सकते हैं अपन, ठीक है? और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो माइनस 2s आ जाएगा, और v जो है वो 0 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ u square बराबर 2s, और रिटार्डेशन दोनों में सेम दे रखा है इसने, तो इसका मतलब s इज प्रोपोर्शनल टू u square, तो पहले की स्पीड u है और दूसरे की 2u है, दैट मींस s प्रोपोर्शनल टू u square, तो s1 by s2 क्या आ जाएगा, u square upon 4 u square, तो 1 by 4 के बराबर आ जाएगा ना, तो 1 by 4 कितना होगा, 1 by 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 by 4 आ जाएगा 0.25, खत्म.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट हैज अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड व्हेन इट हैज रीच्ड वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज. तो ये कह रहा है कि जब ये एच हाइट पे था मान लीजिए, तो इसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड और ये आधी हाइट तक पहुंचा, इसका मतलब नेक्स्ट आधी हाइट जो है वो उसको वो भी एच के बराबर होगी, सही है. तो यहां पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहां पे स्पीड हो जाएगी जीरो, करेक्ट. तो यहां से यहां तक के लिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस की बात करूं, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, इनिशियल स्पीड 12 हो जाएगी, फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगी. तो एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g वाला अप्रोच लगा सकता हूं, यू कितना आएगा 12, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 बाई 2 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 है, सही है. तो ये एच आ गया, लेकिन ग्राउंड से हाइट कितनी है, 2h है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू कितनी आ जाएगी 14.4 मीटर, खत्म. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. The position x of a particle with respect to time t along the x-axis given by x equal to 9 t square minus t cube, where x is in meters, t in seconds. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the x direction? तो maximum speed along the x direction पूछिए अपन से. देखिए सबसे पहले आपको x given है तो velocity calculate कर लो. Velocity कितनी आएगी? 18 t minus 3 t square. ठीक है? अब velocity जो है वो maximum चाहिए अपन को. तो सीधी सी बात है, इसका भी differentiation करना पड़ेगा maxima calculate करने के लिए. तो ये 18 minus 60 आ गया और इसको 0 के बराबर रख दो, t बराबर कितना आया 3 सेकंड. तो 3 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, और 3 की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो यहां से x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 9 into 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये आ जाएगा 27, तो 21 माइनस 27 ये कितना आएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 5.23 है ना, तो नहीं सॉरी ये 6 7 माइनस 2 5 आ जाएगा 54. ठीक है, तो 54 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चला. ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट टी इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद द स्पीड वी, द टू बॉल्स मीट एट टी इक्वल टू 18 सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वी. देखो आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, 6 सेकंड बाद देखोगे तो वो जो बॉल है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल चुकी होगी, वो डिस्टेंस कितनी होगी, s = ut + half d स्क्वायर, u 0 है, half a की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर 36, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 180 मीटर है ना, तो 180 मीटर ये चल चुका है यहां से यहां तक, और कुछ ना कुछ स्पीड भी गेन कर लेगा ये, v = u + at, u 0 है तो a की वैल्यू कितनी है 10 और t की वैल्यू कितनी है 6, तो ये 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड भी गेन कर चुका है. अब दूसरी बॉल को आपने नीचे की तरफ थ्रो किया वी स्पीड से, वी स्पीड से जब थ्रो करोगे तो ऑब्वियसली वी की वैल्यू 60 ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के ये दोनों आपस में मिल पाएंगे, लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो रिलेटिव स्पीड यहां पर अगर मैं देखूं तो वी माइनस 60 हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव सेपरेशन कितना 180, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली रिलेटिव सेपरेशन जो 180 होगा जो वो क्रॉस कर जाएगा, जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं. तो वेलोसिटी जो है रिलेटिव v माइनस 60 हो जाएगी, और 18 सेकंड बाद में मिलते हैं, तो बताइए इसके थ्रो करने के बाद कितना टाइम लगा, 12 सेकंड लगा, क्योंकि 18 पहले 6 सेकंड लग चुका था तो 12 सेकंड बचा, तो v इनटू जो रिलेटिव वेलोसिटी इनटू 12 किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए, ये 180 के बराबर रख दिया, इसको बस कट कर लेते हैं, तो यहां से कट करें तो 6 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 30, इसको सॉल्व करें तो 15 आ गया, तो v माइनस 60 इक्वल टू 15, तो v इक्वल टू कितना जाएगा 75, 60 प्लस 15 75, तो इसका आंसर क्या जाएगा 75. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द डायग्राम, द रेट ऑफ द एक्सेलरेशन एंड द रिटार्डेशन इज कांस्टेंट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो vt कर्व आपको दे रखा है, तो रेट जो है ना वेलोसिटी टाइम कर्व का वो 5 है, तो जो tan थीटा बनेगा यहां पर vt का, वो tan थीटा 5 को बता रहा है, तो tan थीटा से 5 है, तो ये जो हाइट है ये वाली ये 5t के बराबर आ गई, ये भी 5t होगी, ठीक है, ये भी 5t के इक्वल होगी, और जब यहां से यहां तक का टाइम t है और ये 20 है, तो ये टाइम कितना बचा, ये 20 माइनस t आया, और ये भी t के बराबर होगा क्योंकि ये वाला एंगल भी एग्जैक्टली सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, ये भी t होता है, ये 20 है तो t ऐड कर दो, तो ये कितना जाएगा 20 प्लस t आ गया, ये पर्टिकुलर जो टाइम है 20 प्लस t हो जाएगा. तो ये कुछ ग्राफ बना लिया हमने. अब ये कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन इज 20 मीटर पर सेकंड, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, मैक्सिमम वेलोसिटी 5t दिख रही है अपन को, तो हमें आंसर फाइंड करना 5t, तो t की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम,
टोटल डिस्प्लेसमेंट, वीटी कर्व का जो एरिया होगा ना वही टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सबसे पहले मुझे एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये बताइए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों को अटैच कर दे स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, 5t इनटू में ये टी, 5t स्क्वायर प्लस। अब मुझे इस वाले रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, ये तो आ गई विड्थ विच इज 20 माइनस टी, और हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ से 5t। तो इस रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया। टोटल एरिया कैलकुलेट कर चुके हैं अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, 20 प्लस टी ये टाइम लगा, डिवाइड कर दिया, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 15 के बराबर होनी चाहिए, सॉरी 20 के बराबर होनी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी अपन को 20 दे रखी है यहाँ पे, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 को कट कर देते हैं यहाँ से, 5 कट गया यहाँ से, 5 कट हो गया तो यहाँ जाएगा 4। मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो टी स्क्वायर, ये देखो 20t माइनस टी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 20t के भाई, है ना। और यहाँ 20 प्लस टी है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 80 आ गया, और ये आ जाएगा 40, सही है, टी इंटू 4 40 आ गया। 20t माइनस 40 आ जाएगा 16t इज इक्वल टू 80, टी बराबर आ जाएगा 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड आ गया। और वी चाहिए अपन को, तो वी बराबर 5t है ना, तो 5 × 5 कितना आ जाएगा 25, तो इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 25 इन मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ओके, इफ ए बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पासेस 3 सेंटीमीटर इन वुडन ब्लॉक, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, तो जैसे ये वुडन ब्लॉक है, यहाँ से वेलोसिटी वी से आपने या वी नोट से थ्रो किया, ठीक है, और जब ये वेलोसिटी वी नोट बाई 2 हो जाएगी आधी इससे, तो ये 3 सेंटीमीटर क्रॉस कर जाता है यहाँ से आता, बाद में जब ये रेस्ट में आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी जब 0 हो जाएगी, तो फर्दर ये और कितना चलेगा, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो सबसे पहले तो अपन को यहाँ से यहाँ तक के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो फाइनल वेलोसिटी वी नोट बाई 2 होगी, तो वी नोट बाई 2 का स्क्वायर मतलब वी नोट स्क्वायर बाई 4, मतलब वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 वाला फॉर्मूला लगाएं, यू आ जाएगा वी नोट स्क्वायर, एक्सेलरेशन अपोजिट लगेगा, रिटार्डेशन काम करेगा वुडन ब्लॉक के कारण, तो माइनस का 2as, s इज 3, राइट। तो यहाँ से इसको इधर ले आओ, तो वी नोट स्क्वायर बाई 4 माइनस वी नोट स्क्वायर मतलब 3 वी नोट स्क्वायर बाई 4 नेगेटिव का, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 3 वी नोट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 6a, इक्वेशन 1। नेक्स्ट, अब आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे भी लगा सकते चाहो तो, चलो यहाँ से यहाँ तक लगा दें, फाइनल वेलोसिटी 0 बराबर वी नोट स्क्वायर बाई 4 है ना माइनस 2ax। अब v नॉट स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू अगर अपन देखें तो वो 6a बाय 3 मतलब 3 से कट कर दो तो 2a आ गया ना, v नॉट स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू 2a आ जाएगी, 2a इक्वल्स टू 2ax, 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल्स टू आ जाएगा 1 है ना, तो 1 यूनिट मतलब 3 सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The velocity time graph of particle moving along a straight line is shown in the figure. The displacement of the body in the 5 seconds. Displacement पूछा अपन से, VT curve का जो area होगा वही displacement होगा। तो area calculate करते हैं चलो। तो सबसे पहले तो ये triangle बन गया। इस triangle का area कितना आएगा? 1 by 2 into base. Base is 3. ये 3 हो जाएगा। And height कितनी आएगी इसकी? 2. ये हो गया। Next ये वाला triangle, इसका area negative आएगा minus 1 by 2 into 4 minus 3 1 into height कितनी है इसकी? इसकी हाइट है एग्जैक्टली 2, तो ये 2 आ जाएगा। फिर ये वाला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात करें, ये 4 है ये 5 है, तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू में ये 1 है ना, 1 इंटू में 1, तो ये नेगेटिव में गलती से आया हुआ ये, तो 1 इंटू 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 1 1 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर के अंदर 3 मीटर आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। From the top of a tower, a stone is thrown up and reaches the ground in time t1 9 seconds. A second stone is thrown down with the same speed and reaches the ground in time t2 2 seconds. Okay. A third stone is released from rest and reaches the ground in time t3, which is equal to. So t1 t2 की value अपन को given है. t3 की value पूछिए. देखो, अगर आप किसी building से ऊपर की तरफ throw करते हो particle को किस speed u से? पार्टिकल ऊपर जाएगा एंड नीचे आएगा, देन टाइम कितना लगेगा, t1 इज इक्वल टू u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में g, ये टाइम लगता है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली थ्रो करते हो डाउनवर्ड u स्पीड से, देन टाइम लगता है अपन को t2 इज इक्वल टू u माइनस, सॉरी u प्लस, ये माइनस का आता है, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। और अगर मैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूं यहां पर t1 into t2, तो ये a plus b a minus b,
डिवाइड में जी स्क्वेयर तो आएगा आएगा, उसको साइड में कर ही लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यू स्क्वेयर प्लस 2gh माइनस यू स्क्वेयर, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, सो t1 t2 इज इक्वल टू 2g, g कट जाएगा 2h अपॉन g, है ना। तो t1 t2 जो है हमारे पास आ गया 2h बाय g। और अगर अपन बॉल को सिंपली रिलीज करते हैं तो h हाइट जब वो डिप्रेस होता है नीचे जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है, अंडर रूट 2h बाय g, सो विच इज t3, सो दिस क्वांटिटी इज स्क्वायर ऑफ t3, राइट। सो t3 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 t2, अंडर रूट t1 t2, और अंडर रूट t1 t2 की बात करें यहां पर तो 9 जो 2 18 आ जाएगा, और 18 का अगर अंडर रूट करें हम, ठीक है, 18 का अगर अंडर रूट हम करें यहां पर तो इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट फोर पॉइंट 24 के अराउंड ये वैल्यू आती है, ठीक है, 4.24 के अराउंड ये वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 11, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, रेफर टू द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द बॉडी विल बी, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन टाइम कर्व का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, सीधी सी बात है, एरिया फाइंड आउट कर लो, वही चेंज इन वेलोसिटी होगा और वही मैक्सिमम स्पीड होगी। ऑब्वियसली जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहता है ना तब तक वेलोसिटी बढ़ रही है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ देन रिटार्डेशन होता है, स्पीड जो है डिक्रीज होती है। तो एरिया कितना आएगा इसका, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया इनिशियल जीरो है तो वी बराबर आ जाएगा एरिया विच इज 1/2 × 10 × 11, सॉल्व करें तो कितना आ गया 55, तो आंसर कितना आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बलून इज गोइंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड एट अ हाइट ऑफ 65 मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट एन इंस्टेंट, एक्जैक्टली एट द सेम इंस्टेंट ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम इट, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो 65 मीटर हाइट पर बलून था, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बलून ऊपर की तरफ राइज कर रहा था, जैसे ही आपने स्टोन को ड्रॉप किया, किसी बॉल को ड्रॉप किया सपोज, उस बॉल के पास इनिशियल स्पीड वही होगी जो कि बैलून वाली होगी, तो बैलून और बॉल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। देखो तो ये पूछा कि ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा इसको, तो ऐसा वाला क्वेश्चन अभी भी थोड़ी देर पहले हमने किया था डिस्कस, राइट, ठीक है। तो अंडर रूट जो T1 T2 वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही सेम है ये, इसको सॉल्व करते हैं चलो। तो इसका टाइम कितना लगेगा, T इज इक्वल टू यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वेयर प्लस 2gh अपॉन g, है ना। यू की वैल्यू कितनी है, 12 है, प्लस अंडर रूट 12 का स्क्वेयर 144 प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 दे रखी है आपको, एच की वैल्यू 65 है अपॉन में जी, जी की वैल्यू 10 है, इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो आंसर आता है 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद में ये ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेस द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, दे रखा आपको व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आर वेक्टर का दो बार डिफरेंशिएट कर दो, तो 15t² है, एक बार करोगे 30t आएगा, फिर नेक्स्ट करोगे 30i के आ गया, इसका भी करोगे तो देखो 4 का 0 जाएगा, 20t² का 40t आ जाएगा, 40t का फिर 40 आ जाएगा, माइनस का 40 ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 30 एंड 40 का 50, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 50 यूनिट आ जाएगा जो भी यूनिट होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी y इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला y इक्वल्स टू m स्क्वायर r की पावर -4 g की पावर x l की पावर -3/2, इफ द परसेंटेज एरर फाउंड इन y m r l एंड g आर 18 1 1 0.5 4 and p respectively then find the value of xp, xp की value पता करनी है, xp मतलब x into p की value find करनी है, देखिए y में जो percentage error आएगा वो आपको दे रखा है 18, so 18 यहाँ पे रख दिया which is delta y by y 200, m square है तो इसका 2 आगे multiply में आ जाएगा, delta m into m into 100 जो है m के अंदर जो percentage error दे रखा है वो 1 1 1 के equal है, तो 1 से multiply करके दो plus r की power 4 है minus 4 है तो plus आएगा वो 4 into delta r by r into 100, r में error कितना दे रखा है 0.5 which means 1/2, 1/2 रख दिया मैंने, फिर next number किसका है g का है, तो g की power x है तो x आगे front में आ जाएगा और g में percentage error, g वाला last में देखो g में percentage p है तो x into p आ गया, फिर then l की power -3/2, 3/2 plus में ले आओ, 3/2 delta l by l into 100 और l में percentage
टू तो टू बचा, प्लस ये आ गया xp और ये आ जाएगा 6, ठीक है, 6 प्लस 4 10,
18 माइनस 10 मतलब कितना आ जाएगा 8, तो xp की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8 आ जाएगी, ठीक है। तो 4 प्लस 6 10, 18 माइनस 10 8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आइए। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देर इज 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो जो मेन स्केल जो डिवीजन है इसका वो 1 mm है और सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है सर्कुल स्केल पर टोटल कितने हैं 100 है। तो ये बताइए जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट कितना होगा। लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 mm अपॉन में 100, ये लीस्ट काउंट आ गया। और ये कह रहे हैं नेगेटिव जीरो एरर है इसके अंदर, कितना 8 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, विच मींस नेगेटिव जो एरर आएगा जीरो एरर जो आएगा उसको मैं लिख सकता हूं 8 टाइम्स ऑफ, 8 डिवीजन है ना, 8 टाइम्स ऑफ SCSD सर्कुलर स्केल डिवीजन लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट लिखेंगे अपन 1 अपॉन 100। तो 8 बाय 100 mm जो है वो नेगेटिव जीरो एरर है यहां पर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना अपन को। और नेगेटिव जो एरर जो फाइनल जो रीडिंग आएगी उसके ना ऐड करना पड़ेगा तब जाके एग्जैक्ट रीडिंग अपने पास आ पाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ पाएगी। अब अपन ने एक वायर रखा और ये कह रहा है कि वायर के लिए जो जो फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन है वो क्लियरली विजिबल, तो 1 mm तो पक्का कंफर्म ही होगा, है ना, लीनियर स्केल डिवीजन का। और सर्कुलर स्केल डिवीजन पे 72 वाला डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है लीनियर स्केल डिवीजन से, तो 72 इनटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना आएगा 1 अपॉन 100। तो ये इसकी रीडिंग आई, लेकिन नेगेटिव जीरो वायर जो है 8 बाय 100 है तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा तब जाकर के डायमीटर आएगा वायर का, क्योंकि वायर वर्नियर कैलिपर जो है ना इसके बीच में वायर ऐसे रखा हुआ है तो वायर का डायमीटर ही मेजर करेगा। तो डायमीटर कितना आया इसमें, इसको ऐड करो 8 बाय 100 mm को इसके साथ ऐड करूंगा 72 प्लस 8 मतलब 80 बाय 100 आ जाएगा विच इज 0.80। तो जो डायमीटर आ रहा है 1.80 mm के बराबर आएगा, लेकिन हमसे इसमें रेडियस पूछा है, रेडियस के लिए अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.90 mm इसका रेडियस आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस V 50 प्लस माइनस 2 V, करंट भी दे रखी है आपको, द परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस विद द नियरेस्ट इंटीजर इज R इक्वल्स टू V बाय I, तो डेल्टा V अपॉन V इनटू 100 प्लस डेल्टा I इनटू I अपॉन I इनटू 100। तो डेल्टा V कितना 2 है ना, डेल्टा V 2 अपॉन V 50 इनटू 100 प्लस डेल्टा I 0.2 अपॉन I 20 इनटू 100। बस सॉल्व करना है इसको, तो ये 2 2 टू 4 प्लस ये आ जाएगा 5 इनटू 0.2 मतलब 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 5%, ठीक है, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 17, इफ टाइम टी वेलोसिटी वी एंड एंगुलर मोमेंटम एल आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डाइमेंशंस ऑफ मास एम इज, है ना, तो एम की डायमेंशन जो है वो टी टू द पावर एक्स वी टू द पावर वाई एल टू द पावर जेड में लिखते हैं अपन, देन वैल्यू बतानी है एक्स माइनस वाई प्लस जेड की, ठीक है। चलिए देखो, तो एम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो लिख सकता हूं एम वन एल जीरो टी जीरो, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे टी है, देखिए टाइम है तो टी की पावर एक्स आ गया, वी वेलोसिटी एल बाई टी होगा, तो एल की पावर एक्स सॉरी एल की पावर वाई एंड टी की पावर इनटू में है ये एल की पावर वाई और टी की पावर माइनस वाई, ठीक है। नेक्स्ट है एल, एल इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम का जाएगा एम वन एल वन टी माइनस वन, राइट, और इनटू में एल आएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर जेड है तो एम की पावर जेड एल की पावर टू जेड आ जाएगा, ठीक है, और टी की पावर माइनस जेड आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। फिर देन एम वाले को साइड में कर लेते हैं अपन, एम की पावर जेड एल को लिख देते हैं साइड में, एल की पावर वाई प्लस में टू जेड, है ना, टू जेड आ जाएगा एंड टी की पावर में एक्स माइनस वाई माइनस जेड। कंपेयर करें तो जेड की वैल्यू तो डायरेक्ट वन आ रही है, जेड इक्वल्स टू वन। नेक्स्ट देखो वाई प्लस टू जेड जीरो आ रहा है, तो वाई बराबर आ जाएगा माइनस का टू जेड, माइनस का टू आ गया वाई, एक्स माइनस वाई माइनस जेड कितना है जीरो है अगेन, तो एक्स बराबर वाई प्लस जेड आ गया, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का टू एंड जेड की वैल्यू वन है, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई। ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं अपन, तो एक्स की वैल्यू है माइनस वन, वाई की वैल्यू माइनस टू माइनस प्लस प्लस हो जाएगा प्लस टू एंड जेड की वैल्यू वन, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई टू के इक्वल आई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिलेटिव टू डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन बाय वी इक्वल्स टू अंडर रूट 5000 प्लस 15 एक्स मीटर पर सेकंड देन द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो v की वैल्यू x की टर्म्स में दे रखी है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा x की टर्म्स में v इनटू dv बाय dx,
बस डिफरेंशिएट करना है, इसको सॉल्व करना है, v की वैल्यू रख दो 5000 प्लस 15x इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 5000 प्लस 15x, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर कितना आ जाएगा, 5000 का 0, 15x का 15, ये से कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट, 15 बाई 2 कितना आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। The sum of two forces P and Q is R vector such that mod of R is equal to mod of P vector. तो दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, एक तो P vector है, right? एक Q vector है, और P और Q का जो resultant R vector है, R और P का magnitude same है, तो ये Q vector बना देता हूँ इधर मैं, this is Q, ठीक है, और ये resultant आ गया, तो R और P का magnitude बराबर, मतलब ये दोनों length equal है। द एंगल क्यू, अच्छा ये थीटा है एंगल, थीटा इन रेडियन दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड q वेक्टर विल मेक्स विद q वेक्टर इज, तो ये p वेक्टर 2p वेक्टर क्या आ जाएगा, एक और p वेक्टर ऐड कर दो इसके साथ, तो ये लेंथ p है, ये p है, तो ये भी p है, तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में, तो ये पूरा 2p वेक्टर हो गया, और 2p वेक्टर एंड q वेक्टर मतलब एज इट इज, ये q वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर दो, ठीक है, दिस इज q वेक्टर, तो 2p वेक्टर और q वेक्टर का जो नया रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरफ जाएगा, देखो दिस इज r डैश वेक्टर, तो हमसे एंगल कौन सा पूछा है, जो नया रिजल्टेंट है जिसको मैंने r डैश लिखा है और q, इसके बीच में ये वाला एंगल पूछा है अपन से, ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करें। देखो एक चीज कि अगर मैं इस लाइन को यहां मिला दूं, इसको मैंने यहां से ज्वाइन कर दिया, तो ये कंफर्म है, ये तो Q है तो ये भी Q के बराबर होगा, ये P है तो ये भी कंफर्म है P के बराबर, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ये भी P के बराबर है, ठीक है, तो ये P और ये R और P ये भी दोनों इक्वल है, तो ये दोनों लेंथ भी बराबर होंगी, ठीक है, तो ये लेंथ सारी सारी बराबर होगी आपस में। अब मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया मान लो इस तरफ, ठीक है, तो ये भी तो PQ सेम आइडेंटिकल बन रहा है थीटा थीटा एंगल के साथ, तो ये भी R के बराबर होगा, मतलब ये लेंथ इसके बराबर होगी, तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, जो ये रोम्बस बन रहा है, देखो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं 90 एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो भी मिड पॉइंट पर, ठीक है, तो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, दैट मींस ये पूरा पूरा जो है ये वाला जो बन रहा है ये आइसोसेलेस एंगल बनेगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर काम करेगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, अब जब ये थीटा आएगा तो ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा और ये वाला कितना है 90 माइनस थीटा, इसका मतलब टोटल एंगल ये वाला कितना है 90 आया, तो जब ये 90 और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 90 तो बचेगा, तो इसका मतलब नया जो रिजल्टेंट वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन हमसे एंगल पूछा रेडियन के अंदर, तो रेडियन बोले तो पाई बाई टू, पाई की वैल्यू 3.14 बाई टू डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1.57, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद टाइम t एज x स्क्वायर इक्वल्स टू 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज x टू द पावर माइनस n वेयर n इज एन इंटीजर द वैल्यू ऑफ द n इज, तो a की वैल्यू x की टर्म्स में हमसे पूछी है, एक्सेलेशन जो है उसको मैं अल्फा मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ a आ रहा है, तो एक्सेलेशन की वैल्यू x की पावर माइनस n की प्रोपोर्शनल है, तो n की वैल्यू पूछी है, तो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना आएगा 2x dx by dt, dx by dt को b लिख सकता हूँ, 80 स्क्वायर का आ जाएगा 280 और 2bt का आ जाएगा 2b, तो सबसे पहले 2 कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर v इंटू x जो है वो अपने पास आया 80 प्लस b, फर्दर डिफरेंशिएट कर दें t के रेस्पेक्ट में, तो x एज इट इज v का डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में dv बाई dt आएगा, तो dv बाई dt को मैं एक्सेलरेशन मान लेता हूँ अल्फा, प्लस फिर v एज इट इज x का डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt, v इंटू v स्क्वायर हो जाएगा, 80 का a हो जाएगा एंड b का 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x इंटू अल्फा वैल्यू आ चुकी है a माइनस v स्क्वायर, हमें इसको x की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो v स्क्वायर को जो है हमें x में रखना है, तो कैसे रखें देखिए यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है v की वैल्यू 80 बाई b अपॉन x आ जाएगा, तो अल्फा इंटू x बराबर आ गया a माइनस v स्क्वायर विच इज 80 बाई b
का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स का फिर एलसीएम ले लें एक्स स्क्वायर का, तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है हम ऑलरेडी जानते हैं, एटी स्क्वायर प्लस में टू बी टी प्लस सी है, ये रख देते हैं अपन वैल्यू, तो एटी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी माइनस, फिर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये ओपन करेंगे ब्रैकेट तो माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का टू ए बी टी, ये वैल्यू आ गई, और अपॉन में कितना आया एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहां देखो a इंटू ए टी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा जो कि इससे कट जाएगा ये वाला पार्ट, और यह माइनस का टू ए बी टी है, और ये देखो टू ए बी टी यहां से भी आ रहा है टू ए बी टी, और ये माइनस का टू ए बी टी ये भी कट जाएगा, और a इंटू सी बचा और यहां पर बचेगा माइनस का बी स्क्वायर, तो a इंटू सी माइनस का बी स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर अल्फा एक्स है, तो अल्फा बराबर क्या आएगा नीचे एक्स क्यूब आ गया, तो अल्फा बराबर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब, एक्स क्यूब ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू थ्री, तो एन की वैल्यू यहाँ पे थ्री आ जाएगी। ओके ओके जी, तो ये थे आपके इंटीजर में 20 क्वेश्चन, तो पेपर ओवरऑल देखा जाए तो आसान था, ठीक है, आई होप आपका सबका पेपर अच्छा गया होगा, और अच्छे से ऐसे मेहनत करते रहिए, और फिजिक्स इको के पेपर जो हैं वो अच्छे से आप दीजिए। ओके थैंक यू।